बल्लभ महाविद्यालय मंडी में एडमिशन का दौर जारी है। एडमिशन के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 24 जून थी। 25 जून से स्कूटनिंग का कार्य शुरू किया गया, जिसमें एडमिशन कमेटी द्वारा विद्यार्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए गए। स्कूटनिंग की इस प्रक्रिया में जो विद्यार्थी पास हुए हैं, उन्हें एडमिशन के लिए कॉलेज प्रबंधन की ओर से क्लीन चिट दे दिया गया है। अब इन विद्यार्थियों को 28 जून निर्धारित फीस कॉलेज प्रबंधन के पास जमा करवानी होगी। इसके अलावा अब कॉलेज में दूसरे चरण में एडमिशन के लिए प्रोस्पेक्ट सेल करने का कार्य भी शुरू हो गया। महाविद्यालय में एडमिशन का दौर पूर्ण होने पर जो सीटें खाली रह जाएंगी, उन्हें एडमिशन के दूसरे चरण में भरा जाएगा। इस बार 5600 प्रोस्पेक्ट सेल हुए हैं, जबकि दूसरे चरण के प्रोस्पेक्ट सेल करने का कार्य निरंतर जारी है। एडमिशन के संदर्भ में जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की एडमिशन कन्फर्म हो चुकी है, उन्हें 28 जून तक एडमिशन कमेटी के पास अपनी फीस जमा करवानी होगी। अप्रॉक्सीमेटली 1800 के आसपास बच्चों की हमने डिस्प्ले की हुई है और प्रोसेस जो है एडमिशन का जारी। रोल वन सिस्टम से हमारी एडमिशन वो चली हुई है। इनका साइज से लेके उनके प्रोसेस जो है वो जारी है और 27 तारीख इनकी लास्ट डेट है, पर फिर भी हमने बच्चों की सुविधा को देखते हुए इसको 29 तारीख तक देने का निर्णय लिया। पुलिस भर्ती के लिए युवाओं में इस बार खासा क्रेज दिखा जा रहा है। ऐतिहासिक पटेल मैदान में हो रही पुलिस भर्ती के लिए युवा पसीना बहा रहे हैं। इस बार भर्ती प्रक्रिया की पूर्ण रूप से वीडियोग्राफी की जा रही है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की चूक ना हो सके। पुलिस अधीक्षक मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए गत दिन 1264 युवाओं को बुलाया गया था, जिनमें से 903 युवाओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। वहीं उन्होंने बताया कि पटेल मैदान में चल रही इस भर्ती प्रक्रिया में आज 1500 युवाओं को बुलाया गया था, जिनमें से दोपहर तक 1200 युवा अपना भाग्य आजमा चुके थे। पुलिस में भर्ती होकर समाज की सेवा करने के लिए युवाओं में खासा क्रेज देखा जा रहा है। मंडी में खाकी वर्दी के लिए युवा पसीना बहा रहे हैं। ऐतिहासिक पटेल मैदान में युवा अपना भविष्य आजमा रहे हैं। और जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जरूरी यह है कि उनको आज ही वो सारी इवेंट्स हैं उनको कंप्लीट करना होता है। यदि कोई कैंडिडेट एक दो इवेंट करने के बाद मना करता है, कोई प्रॉब्लम बताता, तो उसको नेक्स्ट अगले दिन के लिए या दूसरी डेट नहीं दी जा सकती। सारी ही इवेंट्स एक ही दिन में कंप्लीट करनी होती है। सोलन भाजपा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आज भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 70 गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित की। गैस कनेक्शन पाकर महिलाएं बेहद खुश और उत्साहित दिखी। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसमें बेहद महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना है, जिसमें उन गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया जा रहा है जो बेहद गरीब है। उन्होंने बताया कि अब तक जिला में 6502 गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। ये सुविधा उन महिलाओं को दी जा रही है जिनके घरों में गैस नहीं है और वे केवल आग जलाकर खाना बनाती हैं। आग से निकलते धुएं की वजह से ज्यादातर महिलाओं का स्वास्थ्य खराब रहता है। आंखों की कई बीमारियों से उन्हें जूझना पड़ता है, इसलिए उनको धुएं से निजात दिलाने के लिए गैस कनेक्शन बांटे गए। इस मौके पर महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब उन्हें घर में आग जलानी नहीं पड़ेगी और ना ही जंगल में जाकर लकड़ियां लानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें कई तरह की बीमारियों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार का धन्यवाद भी किया।
दोनों योजनाओं के तहत विभाग दे चुका है, जिसमें सोलन ब्लॉक भी 1108 कनेक्शन वितरित कर चुका है। हमारा सोलन जिला भी इसमें बाकी जिलों की तरह बढ़ चढ़कर इस टारगेट को अचीव करने में लगा है। हमारे गांव में कोई भी घर किसी भी बहन को खाना बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करके धुएं में काम ना करना पड़े, उसको भी गैस की सुविधा हो, उसके बच्चे भी स्वाभिमान के साथ स्कूल जा सकें, ऐसी योजना आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।